आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। भोपाल में राज्यपाल टंडन ने किया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेसियों में हुआ झगड़ा। इंदौर में नेताओं ने मारे थप्पड़। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में फहराया तिरंगा। कहा, मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रहे तैयार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस परेड की ली सलामी। और टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में फहराया तिरंगा। खेल भावना से आगे बढ़ने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। हर जगह गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश की एक साल की उपलब्धियों का बखान किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। हर्ष फायर के बाद पुलिस बैंड की मधुर धुन के बीच आकर्षक संयुक्त परेड निकाली गई। संयुक्त परेड में गुजरात रिजर्व पुलिस बल व श्वान दस्ता समेत 19 टुकड़ियां शामिल रहीं। संयुक्त परेड में शामिल मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ी का नेतृत्व 7वीं वाहिनी एसएएफ के निरीक्षक प्रदीप पांडे ने किया। एसटीएफ टुकड़ी का नेतृत्व निरीक्षक अजय पराशर ने किया। वहीं हॉक फोर्स टुकड़ी का निरीक्षक विजय मेहरा ने किया। विशेष सशस्त्र बल जिला बल और शासकीय रेल पुलिस की संयुक्त महिला टुकड़ी का रीना सिंह ठाकुर ने नेतृत्व किया। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। स्कूल की छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत पर डांस कर लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण हुआ, जिसमें टंडन ने मध्य प्रदेश में हुए कार्यों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम में कई संस्थानों ने लोगों को तिरंगे की पेंटिंग लगाई। बच्चों ने तिरंगे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगे परिधान में सजे सभी बच्चों ने अपने चेहरे पर तिरंगे की पेंटिंग बनवाई। लोगों ने लाल परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम की सराहना की। मैं थिंक फॉर स्माइल फाउंडेशन पर वर्क करता हूँ। मेरा फाउंडेशन आज का टारगेट मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तिरंगे का पेंट बनाऊं और मेरा फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। थिंक फॉर स्माइल फाउंडेशन हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम लोग सबके ना फ्री में यहाँ पे तिरंगा बना रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तिरंगा लगाने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार पब्लिक मैंने हर साल कर रहे हैं ये सब कार्यक्रम। 4 से 5 हज़ार पब्लिक आज तिरंगा बनवाएगी यहाँ पे। समथिंग 1,500 से 2,000 के बीच में लोगों ने बनवा चुका है। परेड हुई है, इसके बाद झांकियाँ निकली, हम लोग हर साल आने लगा। आप लोग कौन से स्कूल से हैं? ब्रिलियंट कॉन्वेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में झंडा फहराने से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया। सड़क पर ही कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और चंदू कुंजीर आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे और लात घूंसे भी बरसाए। सीएम कमलनाथ गांधी भवन पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। यह देख वहां सीएम की सुरक्षा के लिए लगे पुलिस अधिकारी दौड़े और दोनों नेताओं को अलग अलग किया, लेकिन तब तक लात घूंसे और थप्पड़ों का आदान प्रदान हो चुका था। इसके बाद सीएसपी डी के तिवारी ने चंदू कुंजीर को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। बताते हैं, आगे खड़े होने को लेकर दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया था। इसके ही कुछ देर बाद सीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद सीएम मंच पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पहली बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच इस तरह का विवाद अंदरूनी गुटबाजी बाहर नजर लाने के लिए काफी है। कार्यक्रम स्थल पर ही पहले देवेंद्र यादव और चंदू कुंजीर के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। यह देख वहां खड़े कांग्रेस के अन्य नेता और पुलिस अधिकारी भी उन्हें अलग करने पहुंचे।
दोनों को खींच कर अलग अलग किया गया। बाद में इस मामले में FIR तक की गई है। इंदौर कांग्रेस दफ्तर पर मारपीट के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर ध्वजारोहण किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर गणतंत्र दिवस समारोह में शहर और जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की इतिहास को त्याग और बलिदान वाला बताते हुए कार्यकर्ताओं को मौजूदा चुनौतियों का मुकाबला करने और अनेकता में एकता को बनाए रखने का संकल्प दिलाया। कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद गोविंद खादीवाला को गांधी भवन में लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में ध्वजारोहण करते हुए 5 मिनट से भी कम समय के अपने भाषण में कमलनाथ ने कांग्रेसियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि विश्व में सबसे बेहतर संविधान भारत को मिला है। हमें संविधान के मूल्यों के साथ साथ देश की संस्कृति को बचाने का भी संकल्प लेना होगा। 70 साल बाद फिर से चुनौती हमारे सामने है, जबकि अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति है। हम संकल्प लें कि हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा समाज को जोड़ा है, हम उसी संस्कृति के वाहक बनेंगे। हमारी सरकार आने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें आचार संहिता में 2.5 महीने का समय चला गया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद पिछले एक साल में हमने 365 वचनों की पूर्ति की है। इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मना रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब भी हमें अपने कार्य करने के संबंध में कोई संदेह हो तो हम एक कसौटी आज माना चाहिए। छोटे से मंच पर मुख्यमंत्री के साथ शोभा ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, विनय बाखलीवाल और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव मौजूद रहे। मंच के नजदीक एक खास घेरा बनाया गया था। इस घेरे में सिर्फ चुनिंदा पदाधिकारियों को ही आने की अनुमति थी। मुख्यमंत्री के आने के पहले कई कांग्रेसी घेरे में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और अन्य पदाधिकारी उन्हें लौटाते रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं नई पीढ़ी को जागरूक और सशक्त बनाने के संबंध में 3 नई घोषणाएं करता हूँ। आगामी शिक्षा सत्र में प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में स्थानीय बोली भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। वहीं रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में पहली बार परेड का नेतृत्व महिला IPS अंकिता शर्मा ने किया। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से प्राथमिक शालाओं में छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्वी, भतरी, सरगुजिया, कोरबा, पांडो, कुड़ुक, कमारी में पढ़ाई होगी। स्कूलों में ये व्यवस्था की जाएगी, संविधान की प्रस्तावना का वाचन, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों की जीवनी पर परिचर्चा जैसे आयोजन स्कूलों में होंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 5,000 स्थायी शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती करने का ऐलान किया। इसमें से 7,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं आदिवासी अंचलों की शालाओं को मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा से लेकर रोजगार दिलाने तक का काम सामूहिक जिम्मेदारी का है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक छात्रावास, आवासीय विद्यालयों, आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करना, मैट्रिकोत्तर छात्रावासों के विद्यार्थियों की भोजन सहायता की राशि बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह करना, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सरल व्यवस्था, 17 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू करना इसके साथ ही कुछ उदाहरण हैं। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में स्थानीय लोगों की भर्ती में तेजी लाने के लिए कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन, जिला स्वर में भर्ती की समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाना, सभी वर्गों के युवाओं को विभिन्न विभागों में 1,000 पदों पर भर्ती, कौशल उन्नयन और रोजगार परक परीक्षण जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं। युवाओं के
सर्वगीण विकास के लिए खेल प्राधिकरण का गठन, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। हम युवाओं को यह संदेश देने में सफल हुए हैं कि पढ़ाई के अलावा उनके करियर निर्माण के अन्य कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। गांव-गांव में युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिए राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। इन क्लबों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि लोहंडी गुड़ा में हमें आदर्श पुनर्वास कानून के पालन की सीख दी तो आदिवासियों की जमीन वापसी से छत्तीसगढ़ सरकार को अपार यश मिला। मुख्यमंत्री ने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ी में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ताज़ा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। तमाम प्रतिगामी ताकतों और हरकतों के बीच छत्तीसगढ़ एक बार फिर यह साबित करने में सफल हुआ है कि हमें जोड़ना आता है, हमें रचना आता है, हमें बनाना आता है। तोड़ने फोड़ने बिगाड़ने में प्रदेश की जनता का कोई विश्वास नहीं था। रचनात्मक सोच और कार्य ही हमारा रास्ता बनाते रहे। सबसे रोमांचक पल रहा कि रायपुर में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में पहली बार परेड का नेतृत्व महिला आईपीएस अंकिता शर्मा ने किया। परेड में महाराष्ट्र के पलाटून कमांडर भी शामिल रहे। 26 जनवरी पर परेड के नेतृत्व करने पर अंकिता शर्मा ने काफी गर्व महसूस किया। उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यह मौका मिला है और मुझे अच्छा लग रहा है। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस है। इस पर उन्होंने कहा कि सर्विस में आना मेरे लिए सपने जैसा था। जैसे एक व्यक्ति का सपना साकार होता है, वैसे भी मेरा भी सपना साकार हुआ है। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस देशभक्ति की भावना के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य की जनता के नाम गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री टीएस सिंहदेव ने परेड की सलामी ली और सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकी तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। परेड कमांडर रचित निरीक्षक मुकेश जोशी तथा सेकंड इन कमांड अप निरीक्षक एलरिक लकड़ा के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समारोह के दौरान प्रस्तुत झांकियों में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग की प्रथम केंद्रीय जेल को द्वितीय तथा नगर पालिक निगम अंबिकापुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि टीएस सिंहदेव ने शहीद परिवारों के सदस्यों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि समाज, प्रदेश तथा राष्ट्र के विकास के लिए प्रशासन व नागरिकों के बीच अच्छा व्यवहार होना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर केवीएस चौधरी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनमोहक झांकियों ने सभी को आकर्षित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिंगरौली में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर केवी एस चौधरी ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद कलेक्टर ने सरकार के संदेश का वाचन किया। समारोह में आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए गए। जिले भर में गणतंत्र दिवस निजी संस्थानों में भी मनाया गया, जिनमें मायाराम महाविद्यालय में झंडारोहण सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने किया। टीएचडीएस में कंपनी मुख्य शर्मा ने, एपीएमडीसी में शिव राम कृष्ण ने झंडा वंदन किया। जिले के शासकीय कार्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने अध्यक्ष जलसो भाई उइके के साथ ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर विधायक ने लोक नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ शामिल होकर लोक नृत्य भी किया।
सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने हाई स्कूल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर शिरकत की। जनपद अध्यक्ष जलसोबाई उइके के साथ ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। एसडीएम अंकुर मेश्राम ने भी परेड की सलामी ली। उसके बाद विधायक द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया और शांति के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े गए। इस मौके पर लखनादौन तहसील की सभी संस्थाओं द्वारा हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी संस्थाओं के स्कूली बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की एवं शासकीय विभागों द्वारा आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें आदिम जाति विभाग द्वारा भारतीय संस्कृति में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें विधायक ने भी शामिल होकर लोक नृत्य किया। दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सभी भाइयों सभी मातृ शक्तियों का भी आज इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ये छात्राएं अपने नृत्य के माध्यम से मंच के सामने नारी सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण गर्ल्स कॉलेज ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत माता की झांकी बनाकर रैली निकाली। छात्राओं ने संदेश दिया कि हमारा धर्म कोई भी हो, हम पहले भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। छिंदवाड़ा के परासिया में यूनिक गर्ल्स कॉलेज छात्राओं ने भारत माता की तस्वीरें हाथ में लेकर भारत माता का नक्शा थाम कर रैली निकाली। छात्राओं का कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, सबसे पहले हमें राष्ट्र को ऊपर रखना चाहिए और भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस संत नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत नगर के विभिन्न स्कूलों संस्थानों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, मिठाइयां बांटी गई, रंगारंग कार्यक्रम हुए, देशभक्ति के गीत भी गाए गए। गणतंत्र दिवस संत नगर में शैक्षणिक संस्था शहीद हेमू कलानी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यानगर पब्लिक स्कूल में संत हृदयराम जी के शिष्य सिद्ध भाव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर क्रांतिकारियों की वेशभूषा पहनकर स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज द्वारा भी झंडावंदन कार्यक्रम किया गया। यहाँ सेना के रिटायर्ड कर्नल नारायण परवानी एवं अन्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हमारा देश का संविधान लागू हुआ इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज विद्यासागर स्कूल में मनाया जा रहा है। मिठी गोविंद राम पब्लिक स्कूल एवं नवनिधि हसुमल लखानी पब्लिक स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगा फहराया गया। यह संस्था के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। साधु बासवानी ने इस अवसर पर विशाल प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी संत नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई साधु बासवानी स्कूल पर संपन्न हुई। यहाँ शिक्षाविद विष्णु ज्ञानी, विधायक प्रतिनिधि राम बंसल, जोन अध्यक्ष दीपा नरेश बासवानी, पार्षद भारती महेश खटवानी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं क्राइस्ट मेमोरियल ग्रुप ऑफ स्कूल में आए हुए अतिथियों द्वारा तिरंगा फहराया गया। स्कूल के संचालक डॉक्टर मनीष मैथ्यूज ने सभी को 26 जनवरी की बधाई दी। सुचिता कृपलानी शासकीय कन्या महाविद्यालय में संत नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा तिरंगा फहराया गया। स्कूल की प्राचार्य यास्मीन कौशल ने सभी बच्चों को 26 जनवरी की बधाई दी। नवयुवक सभा संस्था द्वारा स्कूल परिसर में तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में भोपाल एडिशनल SP दिनेश कौशल, थोक वस्त्र व्यवसाय संघ के अध्यक्ष कन्हैया इसरानी, नवयुवक सभा संस्था के अध्यक्ष तुलाराम हेमथानी, राजेश हिंगोरानी, संस्था के समस्त पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में संस्था के अध्यक्ष सुशील बासवानी, बसंत चेलानी एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा तिरंगा फहराया गया। यह स्कूल में बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई। संत नगर में विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। संत नगर के पत्रकारों ने चौक पर प्रेस क्लब, संत नगर के विभिन्न पेपरों एवं चैनलों के पत्रकारों सहित संयुक्त रूप से तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान के पश्चात सभी को मिष्ठान वितरण किया गया।
बैंकर्स क्लब द्वारा भी संत नगर में स्थित कृष्णा प्लाजा में क्लब के अध्यक्ष गुलाम जेठानी, सुंदर कृष्णानी एवं समस्त क्लब के सदस्यों ने संयुक्त रूप से तिरंगा फहराया। यहां देशभक्ति के गीत गाए गए। इस अवसर पर समस्त बैंकों में कार्यरत कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। छिंदवाड़ा से मुखेड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर बजाज की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। छिंदवाड़ा से सौसर ग्राम पंचायत महलपुर सरपंच गानाजी पाठी रोजगार सहायक प्रवीण पवार एवं पंचगण की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से परासिया नगर पालिका CMO दुर्गेश सिंह एवं समस्त कर्मचारियों की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से क्रेडिट सोसाइटी चांदा मीठा अध्यक्ष मार्कंड जी एवं समस्त कर्मचारी ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से चांदा मीठा नगर परिषद CMO आरके शर्मा एवं समस्त कर्मचारियों की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। छिंदवाड़ा से जुन्नार देव ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर SK सिंह की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से जुन्नार देव जल संसाधन विभाग सहायक मंत्री शुभम यंत्री की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से जुन्नार देव विकास खंड शिक्षा अधिकारी MI खान की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छिंदवाड़ा से सावरी रेंज कीर्तिवाला गुप्ता वन विभाग एवं समस्त वन विभाग की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कमलाकांत यादव सपा नेता विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से KP मिश्रा प्राचार्य जवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को रीवा से ओम प्रकाश मिश्रा अंशु फिटनेस हब जिम सेंटर गढ़ी रोड जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से प्रेरणा मिश्रा ग्राम रोजगार सहायक कटागी की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रीवा से जगदीश यादव सामाजिक कार्यकर्ता व उषा सिंह यादव समाज सेवी की तरफ से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश। रीवा से विकास धनखड़ शाखा प्रबंधक जवा तथा अंकित बाउस्कर सहायक शाखा प्रबंधक जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से श्यामलाल द्विवेदी भाजपा विधायक विधानसभा क्षेत्र द्योथा 70 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से पवन शुक्ला थाना प्रभारी जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से प्रदीप सिंह पप्पू मांडा सपा नेता विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से दिनेश गुप्ता अध्यक्ष व्यापार मंडल जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से RS बागरी थाना प्रभारी अतरेला की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से मध्य प्रदेश पूर्व
पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उप संभाग जवा के समस्त विद्युत स्टाफ की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से इंजीनियर अंशु पटेल उप यंत्री CFT जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से गिरीश सिंह जिला कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रीवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से चक्रधर सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से पवन यादव वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा क्षेत्र त्योथर की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से राजधर यादव वीरपुर सामाजिक कार्यकर्ता जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से त्रिभुवन वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से अनिल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से अविनाश पटेल सहायक प्रबंधक आजीविका मिशन ब्लॉक जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से पंकज प्यासी आजीविका मिशन ब्लॉक जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से प्रदीप सिंह पटना वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से दिव्य राज सिंह भाजपा विधायक विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रीवा से प्रचार अवध शरण विश्वकर्मा एवं सेंट जेवियर्स स्कूल परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से राजेंद्र कुमार शाखा प्रबंधक अतरेला की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से राजेश गौतम हल्का पटवारी गोहाना तहसील जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से रेवांचल दलित आदिवासी संस्थान समिति डभौरा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदन सिया दुलारी आदिवासी अध्यक्ष राम नरेश यादव सचिव रीवा। रीवा से न्यू चिल्ड्रेन एकेडमी हाई स्कूल जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विनीत मिश्रा प्राचार्य इंजीनियर विवेक शुक्ला संचालक। रीवा से अंग्रेजी शराब की दुकान जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक सुनील जायसवाल फूल चंद्र जायसवाल। रीवा से जनपद पंचायत सिरमौर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक यशोदा द्विवेदी संजय द्विवेदी। रीवा से ग्राम पंचायत जवा जनपद जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक दादूलाल साकेत राम उजागर सिंह रीवा। रीवा से ग्राम सेवा दल संस्था एवं पोषण अभियान जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक हृदय सिंह प्रवीण सिंह शशांक तिवारी। रीवा से जवा इंजन ग्रामीण वितरक जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक श्रीमती मनीषा पांडे। रीवा से NK डोमने सहायक यंत्री जनपद पंचायत जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से धानेन्द्र द्विवेदी जल उपभोक्ता संस्था मोहरा जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से कमलेश्वर सिंह जनपद अध्यक्ष जवा व अखिल सहायक श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से सिद्धार्थ तिवारी राज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रीवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से रमाशंकर पटेल जिला कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रीवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से मनीष जायसवाल पटवारी हल्का छधना तहसील जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से डॉक्टर विवेक तिवारी बबला पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र सिरमौर 68 की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से विवेकानंद पांडे पुरानी पेंशन बहाली संगठन जिला अध्यक्ष रीवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से सेंट्रल पब्लिक स्कूल जवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक मनु पाठक संचालक। रीवा ग्राम पंचायत अकौरी जनपद पंचायत जवा की ओर से
गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ललिता देवी सरपंच प्रतिमा और मरलिया सचिव की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से पाठक टेंट हाउस और फ्लोर डीजे की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक बुद्ध सेन पाठक। रीवा से जितेंद्र तिवारी, जिला कराटे संघ रीवा की ओर से गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रीवा से वीरेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह, ग्राम पंचायत पताई की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मायाराम महाविद्यालय मढ़ौली मोरवा सिंगरौली अध्यक्ष बद्री वैश्य प्राचार्य सत्येंद्र द्विवेदी की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैढ़न देवसर चितरंगी की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली, बच्चे दो ही अच्छे, मच्छरदानी लगाएं, मलेरिया से दूर रहें की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। रामलल्लू वैश्य विधायक विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली जिला की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मालिक ट्रांसपोर्ट जियो सिंह चंद्र प्रताप सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जेपी अमेलिया नॉर्थ मझौली कोल माइंस की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। टीएसडीसी एवं कोल माइंस की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। पीटीसी ट्रांसपोर्ट राजेश सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। वन मंडल अधिकारी सिंगरौली की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। कार्यालय नगर पालिका गाडरवाला जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। पंचायत पाटन की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक सरपंच सुमानवती इनवाती, सचिव लेखराम डेहरिया, रोजगार सहायक राजेश सिरशाम की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सिवनी से नगर पंचायत लखनादौन की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बहाएं। निवेदक पप्पू राय अध्यक्ष नगर पंचायत लखनादौन, कामता बघेल सीएमओ नगर पंचायत लखनादौन।